नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, राजस्थान पुलिस के द्वारा एक पुलिस मित्र योजना निकाली गई है और उसके फॉर्म है वो भी अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या आपको उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये कौन सी ये योजना है पुलिस मित्र की, इसमें क्या आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या इसमें आपको काम करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो पुलिस मित्र योजना है ये क्या है। तो सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहें तो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ राजस्थान पुलिस लिख देना गूगल में, ऑफिशियल वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाएगी और यहाँ पे पुलिस मित्र देख रहे हैं, इस पुलिस मित्र के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, वो पुलिस मित्र का फॉर्म ही है जो। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहिए पुलिस मित्र योजना के बारे में पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पुलिस मित्र योजना के बारे में जो PDF है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो PDF फाइल है वो खुलेगी कि पुलिस मित्र योजना क्या है और यहाँ पे इससे आपको कैसे काम करना पड़ेगा, क्या इसमें आपको सैलरी मिलेगी, सारी जानकारी इसके अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है फ्रेंड्स, ये पुलिस मित्र मतलब पुलिस का मित्र बनके उनकी उनका सहयोग करना ये एक योजना है। इसके अंदर सबसे पहली बात ये कि क्या आपकी सैलरी होगी, तो आपको स्पष्ट बता दूं कि इसके अंदर आपकी कोई भी सैलरी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर सैलरी नहीं होगी, फॉर्म आपसे अप्लाई करवा लेंगे और इसके बाद में जो आप जिस थाने में अपना जो समय आप देना चाहते हैं, जो अपना सहयोग देना चाहते हैं जिस थाने के अंदर, वहां पे आपको बुला के बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको काम करना है। हालांकि आप जहां रहते हैं उसी एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, पुलिस का इसमें एक तरफ से मान लीजिए सहयोग करना होगा, यानी कि कोई भी अपराध होता है उसकी सूचना देना या फिर अदर कोई है तो आपसे पुलिस संपर्क करेगी क्या कि कोई ऐसी कोई घटना जो घटती है उसके बारे में आपसे पूछेगी, ठीक है। ये उसकी विशेषताएं हैं, सेवाएं आपको क्या क्या देना है। सबसे पहले अपराध की रोकथाम की सेवा आप दे सकते हैं, जागरूकता अभियान में आप शामिल हो सकते हैं, अपराध जागरूकता अभियान है, यातायात सहायता और जागरूकता है, अतिक्रमण बल दुर्व्यवहार अन्य असामाजिक, ये जो सारे आप PDF है वो डाउनलोड करेंगे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा हिंदी में दे रखा है। हालांकि मेन मुद्दा तो यही था कि इसमें कोई सैलरी होगी या नहीं होगी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसमें कोई भी सैलरी अभी तक नहीं दिया गया है, यानी कि पुलिस से मित्र अगर आप बनते हो तो अभी तक स्पष्ट ये भी नहीं बताया गया है कि आपको कोई प्रमाण पत्र दिया जाएगा पुलिस मित्र का, ये भी नहीं बताया गया है। अब चलिए ये बात क्लियर हो गई कि इस योजना में आपको क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी है या नहीं है, ये दोनों बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब देखिए पुलिस मित्र आप बन कैसे सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कैसे बन सकते हो ये वो देखिए। सबसे पहले आपने राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे आपने देखा कि पुलिस मित्र का एक यहाँ पे दे रखा है, एक लिंक दे रखा है पुलिस मित्र का, उस पर आपने क्लिक किया तो आप इस वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद में ये फॉर्म ओपन हो गया, ये भी इस फॉर्म को आप देखें तो पुलिस मित्र का नाम यहाँ पे आपको खुद का नाम भरना है, इसके बाद में पिता या पति का नाम, यहाँ पे आपको अपने फादर्स नेम है वो भरना है, इसके बाद में आप मेल है फीमेल है वो भरना है, फिर आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, इसके बाद में आपका वर्तमान पता जहाँ आप रह रहे हैं वो वर्तमान पता यहाँ पे भरना है, इसके बाद में स्थाई आपका पता भरना है, अगर वर्तमान पते के समान है समान ही है आपका पता तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको 7 नंबर पे आधार कार्ड का जो नंबर है वो भरना है, इसके बाद में आपकी शैक्षणिक योग्यता कि आप कहाँ तक पढ़े हो, कोई विशेष विषय है तो आप भर दीजिए वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके बाद में आपका व्यवसाय की एग्रीकल्चर गवर्नमेंट होम मेकर अदर प्रोफेशनल रिटायर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट जो भी है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में ये आपको खाली छोड़ देना है कार्यालय के पता। इसके बाद में आप 13 नंबर का जो पॉइंट देख रहे हैं तो इसमें है किस थाना क्षेत्र में सेवा देना चाहते हैं, यानी कि ये आपको भरना है कि किस क्षेत्र में आप सेवा देना चाहते हैं, यानी मान लीजिए कुछ कोई भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मान लीजिए किसी भी आप थाने के अंदर सेवा देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद में है कि क्या आवेदक को कभी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है
तो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा क्या किसी राजनीतिक दल संगठन का सदस्य, यहाँ भी नो करना पड़ेगा आपको, नहीं करना पड़ेगा। 14 नंबर 15 नंबर पॉइंट, ये दोनों ही नहीं चलेंगे। अगर आप पे कोई आपराधिक मामला है तो भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और किसी राजनीतिक दल या संगठन से आप जुड़े हैं तो भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक से ज्यादा सेवाएं आप भर सकते हैं, जैसे अपराध की रोकथाम में आप सहायता कर सकते हैं पुलिस की, या फिर साइबर क्राइम में कर सकते हैं, आप शैक्षणिक क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में कर सकते हैं। इसके बाद में जो जिसमें भी आप कर जो भी आप भरना चाहिए, जिसमें आप सहयोग देना चाहिए, उसमें आप सहयोग है वो कर सकते हैं अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त, वो सहयोग यहाँ पे आप जो सेवाएं हैं वो मेंशन कर दीजिए। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको डिक्लेरेशन के लिए टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना फोटो है ब्राउजर ऐसे ओपन करके यहाँ पे अपना जो फोटो है वो फोटो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप फोटो अपलोड कर देंगे, पूरा फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो आपके पास में एक छोटा सा मैसेज दिखाएगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके जो कार्यालय, आपने जो जो आपने थाना अप्लाई किया था, कार्यालय की किस थाने में आप सेवा देना चाहते हैं, जिस थाने में सेवा देने के लिए अप्लाई किया था उसके थाना अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है ये आपका फॉर्म, और वहां से 7 दिन में आपके पास से वापिस है वो रिप्लाई आ जाएगा कि आपको क्या क्या वो पूछेंगे, वो आपको वहां पे बुलाएंगे, बताएंगे कि कैसे आपको हमारा सहयोग करना है पुलिस मित्र बन के। हालांकि अभी तक इस योजना में ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ना तो इसमें कोई सैलरी है और ना ही कोई प्रमाण पत्र का कोई ऐसा रूल आया है कि कोई आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिससे आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में नंबर मिले या फिर कुछ और, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो हम आपको जरूर से सूचित है वो कर देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस मित्र योजना क्या है, किस प्रकार से है, क्या इसमें करना होता है, क्या इसमें सैलरी होती है, कुछ सैलरी नहीं होती है, सिर्फ आपको सहयोग करना होता है, इतना होता है कि आप पुलिस के मित्र हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही वीडियो हम हमेशा इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।